हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल बी एम टेक टाइम पर। और मैं हूँ आपके साथ आपके दोस्त एंड होस्ट वापिस। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बैंड व्हाट्सएप को किस तरह से ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हो तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का एरर मैसेज आ जाता है। तो इसका कारण ये होता है आपका व्हाट्सएप नंबर जो है वो बैंड हो चुका है। तो इस बैंड व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए आपको सिंपली सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऊपर के कुछ डिस्क्रिप्शन में कुछ प्रॉब्लम लिख देना है, ठीक है। तो आप जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो वो प्रॉब्लम यहाँ पर लिख दीजिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, माय अकाउंट हैज़ बीन बैंडेड, प्लीज़ टर्न इट ऑन अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का SMS आपको लिखना है। तो इसे लिखने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा। तो कुछ टाइम लेने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ भी ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, नीचे जो ग्रीन कलर के पट्टी पर जो लिखा है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम वेट करने के बाद यहाँ पर आपको मेल बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर मेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ से मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सपोर्ट के नाम पे कुछ SMS यहाँ पर आ जाएगा। तो इसे आपको व्हाट्सएप कंपनी को सेंड करना है, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपली आपको ऊपर जैसे एरो दिख रहा है उस एरो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका SMS जो है वो व्हाट्सएप को कंपनी के पास चला जाएगा। तो व्हाट्सएप कंपनी को SMS सेंड करने के बाद आपको 24 आवर्स वेट करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है। सो गाइस, यहाँ पर आपको 24 आवर्स वेट करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली मेल बॉक्स के अंदर जाना है और देखना है सपोर्ट 2 के नाम पे कुछ SMS आ चुका है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा सपोर्ट 2 के नाम पे एक मेल आ चुका है। तो इस मेल का आने के बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, सिंपली यहाँ से बैक जाना है और अपने व्हाट्सएप को ओपन करने की कोशिश करना है। जैसे मैं यहाँ पर यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा OTP आना चालू हो गया। तो OTP वेरीफाई भी हो चुका है। तो वेरीफाई होने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलाउ कर देना है, जो भी परमिशन मांग रहा है वो अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद यहाँ पर अपना नाम डालने के लिए ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर आपको नाम डाल दीजिए। तो आप अपना नाम डाल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पर मेरा नाम डाल देता हूँ। तो मेरा नाम डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप जो है वो ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलते रहे।